नमस्कार, मैं हूं अर्चित और आपका स्वागत है एक्सेस भारत में। तो चलते हैं आज की मुख्य खबर की ओर। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हिंदुत्व की राजनीति करने पर भाजपा पर जुबानी हमला बोला है। उन्होंने कहा कि देश में हर धर्म संप्रदाय के लोग रहते हैं, यदि कोई भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहता है तो वो देश को बर्बाद करना चाहता है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बीबीसी के ऑफिस पर आईटी सर्व की कार्यवाही को लेकर भी भाजपा को घेरा। उन्होंने कहा कि अगर कार्यवाही की जाती है तो साफ हो जाएगा कि मोदी सरकार क्या चाहती है। इससे पता चलता है कि अगर कोई उनके खिलाफ बोलेगा तो परिणाम भुगतने होंगे। नीतीश कुमार ने आगे अपनी सरकार का उदाहरण देते हुए कहा कि जो लोग हमारे खिलाफ बोलना और लिखना चाहते हैं वे ऐसा कर सकते हैं। आखिरकार फैसला जनता करेगी। जब हम संसद में थे तो हमारी बात सुनी गई, जब हम सरकार में थे तब भी पूर्व प्रधानमंत्री अटल जी विपक्ष की बात सुनते थे। यदि मोदी सरकार अदाणी विवाद को अस्वीकार करती है तो ये एक आंतरिक मामला होना चाहिए। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि हमारा काम लोगों की सेवा करना है और उसके लिए हम रात दिन काम करते रहते हैं। इस सरकार ने किसानों के हित में काम किया है। अगर कोई मेरे खिलाफ बोलेगा तो वो जनता का नेता नहीं बनेगा, किसी पार्टी का नेता बनेगा।